वेलकम टू के डी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास है सोनी MSC GNZ 888D। और इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप देखिए, ये बंद हो गया, ठीक है, ये ब्लिंक करने लग गया। कौन सा भी आप ऑप्शन पे करेंगे, जैसे मतलब मैंने पावर ऑन किया, सोनी लिख के आया, और उसके बाद जैसे मैं स्टैंड बाय ऑन किया, वॉल्यूम लिख के आया उसके बाद, और ये शट डाउन हो गया, ठीक है, बंद हो गया। अब कौन सा भी ऑप्शन पे रखेंगे, ये अभी समझ लो इस पर बंद हुआ है, इस पर मैं टीवी और इस पर भी रखूँगा तो प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा। कितना भी बार भी बटन क्लिक करेंगे ये कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं साइड वाले बोर्ड में, इसका साइड वाला बोर्ड है, और ये ट्रांसफार्मर वाला नहीं है, ये पावर सप्लाई वाला है और आईसी वाला है। अब देखिए यहाँ पे कनेक्टर है, कनेक्टर के नीचे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आपको कौन सा पिन ओपन करना है, डीसी डेट, देखिए डीसी डेट है, ठीक है, डीसी डेट 15 नंबर पिन है, ये पिन ओपन कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, डीसी डेट का पिन है, ओपन करते ही आपका एकदम कंप्लीट काम करने के लगेगा, सब कुछ एकदम कंप्लीट काम करने लगेगा। आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे वर्क करना है और कैसे काम करेगा, ये देखते रहिए, मैं दिखा रहा हूँ। ओपन कर दिया है, ठीक है, ये मैंने पिन ओपन कर दिया, आप देख लीजिए एकदम परफेक्ट ओपन कर दीजिए, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये पिन ओपन कर दिया, ठीक है। और मैं लगाता हूँ, ऑन हुआ, डेमो लिख के आया, कंप्लीट काम करने लगा, किसी भी रखोगे टूनर टेप टीवी और वीडियो किसी पे भी रखोगे ये परफेक्ट काम कर रहा है, देखिए आवाज़, ठीक है। आप मॉडल नंबर भी देख लीजिए, GNZ 888D, एकदम कंप्लीट हो गया है गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस। पता है डीसी डेट का पिन ओपन करना है, डीसी डेट लिखा है उस पर, एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।